हमारे साथ मौजूद हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। सर बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। 9 साल मोदी सरकार के विदेश नीति को और साथ तौर साथ साथ कूटनीति को किस तरीके से देखते हैं, जो स्ट्रेंथ जो सोच लगाई है उसके अंदर उसको किस तरीके से? देखिए, पिछले 9 सालों में विदेश नीति में कूटनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि देश में बड़ा परिवर्तन आया, तो देश की जो जब क्षमता बढ़ती है, जब आप देखते हैं कि डिजिटल हो या हेल्थ हो या इकोनॉमी भी हो, तो दुनिया देखती है कि भारत किस गति से, भारत की प्रगति हो रही है, भारत चुनौतियों का कैसे सामना कर रहा है। तो जैसे अब वो महामारी का समय था, तो उन्होंने देखा कि अरे इन लोगों ने वैक्सीन भी उत्पादन किए हैं, वैक्सीनेशन भी कराया है, दुनिया को भी दिया है। उसके बाद बाकी बहुत सारे देश थे जिनकी इकॉनमी जो है वो लुढ़क गई थी, हमारे यहाँ 6-7% ग्रोथ हो रहा है। फिर वो देखते हैं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रही है, बड़े बड़े कंपनी आ रहे हैं, FDI आ रही है। तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा हमारे लिए कूटनीति में जो हमें जो बल मिलता है वो देश की प्रगति से मिलता है। दूसरी बात है कि दुनिया में जो घटनाएं जो हो रही हैं उसकी भी जब अगर ठीक समझ हो और हम अपनी रणनीति उसके मुताबिक बनाएं तो उसका एक किस्म से हम फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो अब दुनिया में बहुत इंटरेस्ट है कि भारत के साथ काम करें, कि जैसे आपने देखा, आपने ये क्वाड मैकेनिज्म देखा है। अब बाकी देशों, ये हमारे जो वहाँ जो साझेदार जो हैं उनको लगता है कि अच्छा भारत देश जैसे देश के साथ काम करने में ग्लोबल कॉमन्स का भला होगा, कि ये ऐसा देश है, डेमोक्रेसी है, मार्केट इकोनॉमी है, जिम्मेवार देश है, इनके साथ काम करना भी आसान है। तो अगर दुनिया को हम ठीक तरह से, हमारी अप्रोच ठीक हो और दुनिया का विश्वास हमारे में बढ़े, तो इसमें हमें हमारे लिए ज़्यादा अवसर होंगे और ये भी देखने को मिल रहा है। तीसरी बात है डायस्पोरा, कि हमारे भारतीय मूल के लोग जो बाहर रहते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत की छवि एक किस्म से बनाई है दुनिया में। तो जब उनको सफलता अपने देश में मिलता है तो वो एक किस्म से भारत पर ट्रांसफ़र हो जाता है। और आखिर मैं कहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हो, कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी जो आइडियाज़ जो हैं, उनकी लीडरशिप, उनके रिश्ते जो हैं, क्योंकि अभी दुनिया के बाकी लीडरों के साथ वो उनको पर्सनल रेस्पेक्ट देते हैं। ये आपने अभी ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, पापुआ न्यू गिनी में देखा, जब वो G7 में गए। तो ये सब कुल मिला के इसका मैं कहूँगा टोटल एग्रीगेट इम्पैक्ट होता है। सर, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के तौर पर भारत को कहा जा रहा है कि भारत उभर रहा है एक आवाज़ बन के ग्लोबल साउथ की, क्या क्या स्ट्रैटेजी है या इसके पीछे क्या सोच है, इसके बारे में अगर देखिए, मैं फिर से आपको जो देश में हो रहा है, जो विदेश में हो रहा है, इसका एक कनेक्शन आपको बताता हूँ। हम देश में क्या करना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि एक किस्म से इंक्लूसिव सोसाइटी, जो पीछे रह गए हैं उनका हम देखभाल करें, उनके लिए स्पेशल अटेंशन दें, उनकी चिंताएं हैं, उनकी पीड़ा है, उसको हम सुने, कुछ सोल्यूशन ढूंढें। आप इसी अप्रोच को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ले जाइए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आजकल, जिनके लिए एनर्जी की दिक्कत हो रही है, अनाज की दिक्कत हो रही है, जो फर्टिलाइज़र नहीं मिल रही है, उनकी डेट सिचुएशन बहुत ख़राब है, उनका व्यापार एक्सपोर्ट, खासकर एक्सपोर्ट बिगड़ गया है। अब ये देश, इनको लग रहा है कि हमारे हित, हमारी चिंताएं, हमारी पीड़ा, वो हमारी कौन सुन रहा है। तो ये फीलिंग बहुत, माने जो विकासशील देश जो हैं इनमें ये बहुत गहरा फीलिंग है कि भाई हमें, हमारी भी आप सुनो। और जब ये G20 की प्रेसिडेंसी की जिम्मेवारी हमने ली, हमारा जो पिछले साल का अनुभव था ये था कि जो विकसित देश जो हैं वो अपने, माने अपनी दुनिया में वो एक किस्म से मैं कहूँगा अपना ही सोच रहे। तो प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया कि हमें जो है इस साल, जैसे ही हमने 1 दिसंबर को
ये प्रेसिडेंसी संभाला था कि हमें जो है जो जो विकासशील देश जो हैं उनके साथ बैठ के उनकी हमें सुनना चाहिए, फिजिकली सुनना चाहिए। तो ये 125 देश जो हैं उन्होंने ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में भाग लिया और इसका निचोड़ जो है ये हम G20 के सामने रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे। सर एक आखिरी प्रश्न है, इवैक्यूएशन मिशंस की बात करें, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कोई भी भारतीय विश्व में कहीं भी फंसा हो तो भारत अपने नागरिकों को निकाल लेगा। दूसरी बात, अगर हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर की बात करें, हाल में ही हमने ऑपरेशन दोस्ती देखा और बैक टू बैक कई इवैक्यूएशन मिशंस देखे हैं। डिप्लोमेसी को लोगों तक ले जाने का और या लोगों को डिप्लोमेसी से फ़ायदा हो, ये ऐसे सिचुएशंस में नज़र आता है, कैसे इसको देख? अगर मोदी सरकार की एक सिद्धांत है हर क्षेत्र में, वो है कि आप इसको पीपल सेंट्रिक बनाइए। आप बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पीपल सेंट्रिक बनाना मुश्किल नहीं है। अगर आप शिक्षा की बात करें तो पीपल सेंट्रिक ही तो है। विदेश नीति में हम ये पिछले 9 साल से ये बदलाव आए कि इसको हम पीपल सेंट्रिक कैसे बने। पीपल सेंट्रिक माने जहाँ, जैसे आपने कहा, अगर हमारे यूक्रेन में आपने देखा था कि हमारे विद्यार्थी फंस गए थे वो लड़ाई में, या अभी सूडान में जो ऑपरेशन कावेरी हमें चलाना पड़ा क्योंकि उसमें करीब 5,000 भारतीय नागरिक थे, तो उसमें बहुत सारे जो हैं या तो कोई कंपनी में काम करते थे या कुछ और रोजगारी के कारण वो वहाँ गए थे। और जैसे 2015 में वहाँ नेपाल में जब भूकंप आया, अब हम जो हैं वहाँ ऑपरेशन मैत्री के तहत उनको मदद देने के लिए गए, पर हमारे भी लोग वहाँ कुछ जो टूरिस्ट वगैरह जो थे वो फंसे थे। तो अभी ये ग्लोबलाइजेशन के युग में जहाँ भी आप जाएं, हमारे नागरिक भी हैं, हमारे मूल के लोग भी हैं, हमारे हित भी हैं वहाँ, तो हमें जो है एक किस्म से फॉरेन पॉलिसी को बदल कर जो हमारी क्षमता है उसको हमें पूरी तरह से डिप्लॉय करना है। इसीलिए आपने देखा कि हम माने एयर इंडिया या एयरलाइन को भी लगाते हैं, एयरफोर्स को भी लगाते हैं। अपने सूडान में देखा कि हमने नौसेना के जहाज भी भेजे हैं, हर मिनिस्ट्री इसमें माने किस्म से एक हाँ जुड़कर एक टीम बन के हम लोग काम करते हैं। तो ये तो क्राइसिस का सिचुएशन, पर यही सोच जो है ये पीपल सेंट्रिक सोच हम पासपोर्ट के क्षेत्र में भी लाएं कि आपने देखा होगा, पता नहीं आपका अनुभव क्या है, कि आप हर नागरिक जिसको भी आज पासपोर्ट मिला है वो थोड़ा सोचें कि 10 साल पहले उनको कितना समय लगता था पासपोर्ट मिलने में। लोग को महीने लगते थे, कभी साल से ज़्यादा लगते थे पासपोर्ट मिलने में, अभी उनको माने कुछ दिनों में मिल रहे हैं। एक हफ्ता नहीं मिला तो लोग परेशान हो जाते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं या ट्वीट करते हैं। तो ये पासपोर्ट सर्विस, जो कोई फंस जाता बाहर, वेलफेयर सर्विस, हमारे श्रमिक हैं उनके लिए जो, और जो उनकी देखभाल करना वहाँ उन देशों में क्या कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अब स्टूडेंट देखिए बहुत सारे लोग जाते हैं, उनको वहाँ काम करने का अगर अवसर मिले तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन तुरंत बदल जाती। तो वहाँ हम कैसे समझौता करें ताकि वो पढ़ें भी और साथ ही साथ काम भी करें, और जो मोबिलिटी हमारे प्रोफेशनल लोग जो हैं उनको ग्लोबल वर्कप्लेस का कैसे फ़ायदा उठाएं। तो ये पीपल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी मैं कहूँगा एक किस्म से प्रधानमंत्री मोदी का एक बहुत सचमुच यूनिक कंट्रीब्यूशन। जो डायस्पोरा कनेक्ट नजर आता है, हाल ही में हमने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में ये एक बड़ा जो जनसैलाब उमड़ पड़ा था प्रधानमंत्री को देखने के लिए, भारतवंशियों का क्या रिएक्शन रहता है? आप तो कई लोगों से मिलते हो। नहीं, उनको लगता है कि अब भारत, भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा उनको वो इज्जत देते हैं जो उनको पहले नहीं मिला था, उनके योगदान को पहचान देते, उसको मानते, उनके लिए एक किस्म थे हम जो हमारे उन हम मैं नहीं कहूँगा कि हम सिक्योरिटी देते, पर हम उनको ज़रूर उनके उनका उनके लिए एक किस्म से मोटिवेशन है और अश्योरेंस भी है। तो उनको लगता है कि पूरा देश हमारे साथ है, हम भले हम बाहर हों और भले हम किसी और देश के नागरिक हों, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है,
उनको उनके मन में है, ये देखते हैं पिछले 9 साल से कि जो जो उनकी जो पहचान बनी है, उनके लिए जो उनकी प्रशंसा जो हो रही है देश में, उनका जो योगदान जो सालों से था, पर पहले उनको लगता था कि हम अच्छा हम पैसे तो भेजते हैं, उसके बाद पता नहीं लोग हमें याद करते हैं या नहीं, और ये बदल गया है। और ये भावना जो उनके मन में है, ये आप देख रहे हैं जब भी ये इवेंट होते हैं। हमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी कुछ इवेंट करें कि इसको हम कैसे सीमित रखें, कैसे लोगों को मैनेज करें, ये एक एक ये चुनौती है, पर अच्छी चुनौती। थैंक यू डॉक्टर जयशंकर, थैंक यू सो मच फॉर।